अब इस बार तो कोरोना के चलते जो भी हुआ उसका उपयोग नहीं के बराबर हुआ, लेकिन आप सोच लीजिए एक एक चीज पर और क्या हालत थी पहले। कौन पूछता था महिलाओं, कितनी जनप्रतिनिधि होती थी, महिलाओं का सदुपयोग कहां करते थे लोग काम में, इसलिए बिहार और पीछे चला जा रहा था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सबके उत्थान के लिए काम किया और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम करना शुरू किया, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया। 3 बार चुनाव हो चुका, अगर हम 15 साल से हैं तो भूल जाते हैं, हमसे चिढ़ हो गई है। जरा बताइए 15 साल से है तो बिहार में कितनी महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में जनप्रतिनिधि के रूप में है, क्या अच्छा नहीं लगता है? इतनी चीड़ है, आप जरा देख लीजिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे पंचायती राज संस्था हो या नगर निकाय हो, हर जगह। तो आप चारों तरफ देख रहे हैं महिलाओं का उत्थान। लड़की को पढ़ा नहीं पाते थे गरीबी के कारण, हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, बाद में साइकिल योजना की शुरुआत की। मैट्रिक में तो 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम था, और हमने जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि लड़की को साइकिल पर भिजवा रहे उसको लोग तंग करेगा, हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल का लाभ मिल रहा, और देखिए कहीं कोई घटना घटी। और कितनी बड़ी संख्या में अब लड़कियां स्कूल में पहुंच गई। बाद में लड़कों ने हमसे कहा अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत 10 से करा दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए अब लड़की कितना पढ़ रही है। और जान लीजिए जो पहले अपराध होता था, भाग के लोगों को जाना पड़ता था, किस तरह से लोगों का शोषण होता था, पकड़ के उसको कहीं रख देते थे या भारी पैसा लेने के बाद उसको छोड़ते थे, क्या हालत थी, अब ये सब काम होता है? आप बता दीजिए 15 साल जिनको काम करने का मौका मिला, अगर कहीं से भी मन में कोई गलती आएगी तो जान लीजिए फिर से बिहार लौट करके वही 15 साल पहले वाला बिहार बन जाएगा, यहां कुछ नहीं होने वाला है। कहने को लोग मेरी आलोचना कर देते हैं खूब पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए करो प्रचार, हमको क्या लेना देना, हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। एक वो अंदर है और लोग अंदर जाएंगे, इसलिए आप समझ लीजिए सबकी सेवा नहीं किए हैं, जिनका वोट लिए उसका भी कोई कल्याण नहीं किया, और हम लोगों को इसकी चिंता नहीं रहती है कौन वोट देता है कौन वोट नहीं देता है, हम चिंता सबकी करते हैं और सबको लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो। और किस तरह से माहौल खराब हुआ था, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, आज का वातावरण कितना बदला, तो ये सब काम